बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 2 दिनों के हिमाचल प्रदेश के दौरे पर, ये उनका गृह राज्य है। इसकी शुरुआत उन्होंने आज सोलन में एक रोड शो के साथ की। इसमें बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता शामिल हुए। इसमें जो 3 राज्यों में बीजेपी की जीत मिली है उसके लिए भी पार्टी अध्यक्ष को बधाई दी गई है। रोड शो में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी मौजूद रहे। इसके बाद जेपी नड्डा ने एक जनसभा को संबोधित किया और इसमें कांग्रेस पर जमकर हमले बोले। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जाति की राजनीति करती है, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी ने देश में 4 जातियों को तवज्जो दी है। ये है महिला, युवा, किसान और गरीब। नड्डा ने कहा कि चीन भी अब मोदी की तारीफ कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुझे पता लगा कि अब राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। जिन लोगों ने भारत को तोड़ने की कसर नहीं छोड़ी, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, राहुल गांधी साथ में हाथ मिला के चलना है। और फिर क्या कहा, भारत होंगे टुकड़े टुकड़े, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ऐसे टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ चलने वाले ये भारत जोड़ेंगे कि भारत तोड़ेंगे, बताइए आप, भारत जोड़ेंगे कि तोड़ेंगे, बताओ जोड़ेंगे कि तोड़ेंगे। ये तोड़ो यात्रा पर निकले हुए लोग हैं, इनके साथ जो जो मिल रहा है, जो जो मिलता है यात्रा में, ये सब भारत को कमजोर करने वाले लोग, जो भारत को मजबूत नहीं देखना चाहते। ये कहते हैं मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, और मोदी जी कहते हैं देश को आगे बढ़ाओ, देश को आगे बढ़ाओ, देश को आगे बढ़ाओ, इसके लिए काम। इनके समझ में नहीं आते। ये न्याय यात्रा पर निकले। सन 84 के दंगे किसने कराए थे, सिख भाइयों पर अत्याचार किसने किया था बताइए, सिख भाइयों का नरसंहार किसने किया था, इतिहास को शर्मसार किसने किया था, और आज ये न्याय यात्रा पर निकले हैं। आप बताइए ममता बंगाल में क्या बोल रही है और अरिजीत रंजन क्या बोल रहा है, बिहार में जोड़ करके पहले से ही आप लड़ रहे हो, वेस्ट बंगाल में आप जोड़ के क्या करोगे। कौन सा ऐसा प्रदेश है जहां इंडी अलायंस नया नया कर्तव्य करेगा। और अब मैं एक बात और पूछता हूं, ममता गोवा में किसको वोट दिला पाएगी, शरद पवार मध्य प्रदेश में किसको वोट दिलाएगा, अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में या राजस्थान में किसको वोट दिला पाएगा, ये इंडी अलायंस करेगा क्या। ये सिर्फ फोटो सेशन है, फोटो सेशन, इससे ज्यादा कुछ नहीं है।